नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानशु। लोकसभा चुनाव का नतीजा जो है वो आ रहा है, मतगणना आज हो रही है, लगातार रुझान जो है वो सबके सामने पेश किए जा रहे हैं और बताने की कोशिश की जा रही है कि कौन सा उम्मीदवार कहां से जीत रहा है। पांच यूपी की लोकसभा सीटें प्रमुख, उनका रुझान लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैनपुरी की, मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आखिरी लोकसभा चुनाव उनका है और 6000 वोट से बीजेपी उम्मीदवार से वो आगे चल रहे हैं मैनपुरी में, मुलायम सिंह यादव। इसके बाद बात करते हैं बदायूं की, धर्मेंद्र यादव यहां से सांसद थे लेकिन इस बार बीजेपी बाजी मारती दिख रही है, संघमित्रा मौर्य 17000 वोटों से लीड करते हुए बदायूं में आगे चल रही हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि वो यहां से जीत सकती हैं और धर्मेंद्र यादव की हैट्रिक का सपना अधूरा रह जाएगा इस बार, ऐसा महसूस हो रहा है। पीलीभीत की अगर बात करें तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, मेनका गांधी यहां से सांसद रही हैं और इस बार वरुण गांधी यहां पर आए थे किस्मत आजमाने और 1,30,000 वोट से वरुण गांधी लीड बनाकर आगे चल रहे हैं। हेमराज वर्मा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और कहा जा रहा था कि इस बार उनकी जीत होगी लेकिन यहां पर वरुण गांधी ने बाजी मार दी है, 1,30,000 वोट से आगे वरुण गांधी चल रहे हैं। आंवला लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल में आंवला लोकसभा सीट पर रुचि वीरा जो है वो महागठबंधन के उम्मीदवार है, उनको जीतता हुआ दिखाया गया था लेकिन यहां पर धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी के मिशन रिपीट कर रहे हैं, 2014 में सांसद बने थे और एक बार फिर सांसद बनने की तरफ वो बढ़ रहे हैं। 38,000 वोटों से आंवला में धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी के लीड बनाकर आगे चल रहे हैं। आखिर में बात करते हैं संभल की, तो संभल में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शफीकुर रहमान बर्क 28,000 वोट से आगे चल रहे हैं और यहां पर शफीकुर रहमान बर्क जीत सकते हैं, बीजेपी के हाथ से ये सीट जा सकती है। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और लगातार हम आपके बीच में रिजल्ट लेकर आ रहे हैं और लगातार आते रहेंगे।